हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज भारत में मानव पूंजी निर्माण। सो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि बेसिकली पूंजी निर्माण क्या है। पूंजी निर्माण के हमने टाइप समझे थे, जो बेसिकली दो टाइप के थे, जिसमें हमने समझा था फर्स्ट वाला भौतिक पूंजी और दूसरा हमने समझा था मानव पूंजी। सो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मानव पूंजी के स्रोत, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो बच्चों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले अब हम यहाँ पर एक पॉइंट को समझते हैं कि बेसिकली हम मानव पूंजी को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल को हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। बच्चों, अगर हमें ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी फॉर्म करनी है, ये बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए एंड हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमारे पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे स्किल, नॉलेज, एक्सपेरिमेंट, ट्रेनिंग हो, एजुकेशन होनी चाहिए। इसके ज़रिए हम ह्यूमन कैपिटल को, मानव पूंजी को फॉर्म कर सकते हैं, सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम कि किस तरीके से मानव पूंजी को हम फॉर्म कर सकते हैं। जब हमारे पास अच्छी स्किल होगी, अच्छी नॉलेज होगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छी ट्रेनिंग होगी, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छा एजुकेशन होगा, तो इन सारे पॉइंट को लेते हुए हम कहते हैं कि हम मानव पूंजी को फॉर्म कर सकते हैं। बच्चों, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक ने हमसे बोला है कि हमें अगर मानव पूंजी को प्राप्त करना है, हमें काफ़ी सारी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन प्राप्त करनी है, तो उसके लिए पहले हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, देन जब जाके हम मानव पूंजी को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी स्किल्स को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसे कौन सा फर्स्ट वाला रिसोर्स है जिसके बेस के ऊपर हम भी अपने में मानव पूंजी को डेवलप कर सकते हैं। बच्चों, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा पर भी है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। बच्चों, हमें यहाँ पर मानव पूंजी का निर्माण करने के लिए, उसे फॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एजुकेशन के ऊपर खर्च करें, क्योंकि अगर हम एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे तो हमारी स्किल्स बढ़ेंगी, हमें सीखने को मिलेगा, हमारी लर्निंग पावर बढ़ेगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। इसके अलावा बच्चों, हमें एक अच्छी क्वालिफिकेशन, मीन्स कि जब हम एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ तक हमारा टारगेट है, तो देन उसके बाद हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, या हो सकता है इसमें हमारा खुद का बिजनेस हो, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें, देन उसके बाद जो हमारी आय होगी या जो इनकम होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अगर हमें मानव पूंजी को फॉर्म करना है तो उससे पहले हमें एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है। और अभी आप लोग भी यही कर रहे हो, अगर आप लोगों को मानव पूंजी का निर्माण करना है तो आप लोग भी पिछले 12 से 13 सालों तक पढ़ते जा रहे हो, आप लोग निवेश कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, और आगे भी आप लोग खर्चा करोगे जब आप कॉलेज लेवल पे जाओगे, देन उसके बाद आप लोगों को एक क्वालिफिकेशन, जहाँ तक का टारगेट है आप वहाँ तक की एजुकेशन हासिल करोगे, एंड देन उसके बाद आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिलेगी, और जॉब मिलने के बाद आप लोगों की जो जीवन की कमाई होगी वो भी काफ़ी दो गुना होगी, डबल ट्रिपल होगी, जितना आप लोगों ने अभी आप लोग शुरू में खर्च कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप लोग अभी क्या कर रहे हो, एजुकेशन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें। बट अगर हम इन फ्यूचर की बात करें तो जितना आप लोग अभी खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा, दो गुना, तीन गुना ज़्यादा आप कमाओगे। बेसिकली बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट इसका बहुत महत्व घटक है, एक निर्धारक तत्व है, बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है कि हमें सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, एजुकेशन हासिल करनी है मानव निर्माण को फॉर्म करने के लिए। और एक सरकार के लिए ये पॉइंट बहुत वैल्यूएबल रखता है कि उसकी जो लोग हैं या जो उसकी जनता है वो एजुकेटेड हो, अनपढ़ ना हो, पढ़ी लिखी हो, लोगों के पास एजुकेशन हो, और यहाँ तक कि सरकार जो है वो शिक्षा पे काफ़ी व्यय भी करती है, काफ़ी खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए, सरकार को एजुकेशन पे भारी मात्रा में खर्चा करना चाहिए ताकि यहाँ के लोग एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे लोग हों, यहाँ पर कोई अनपढ़ ना हो, तो सरकार को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से मानव निर्माण को एजुकेशन पे खर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें
तो जिस तरीके से हमें एजुकेशन पर खर्चा करना है, देन उसी तरह हमें अपना हेल्थ पर खर्चा करना है, क्योंकि अगर हम हेल्थ पे खर्च करेंगे तो हमारे पास एक हेल्दी ब्रेन होगा। तो आप लोगों ने कहावत सुनी भी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। सो बच्चों, अगर एक हम एक बीमार व्यक्ति की बात करें, तो एक बीमार व्यक्ति की तुलना में जो एक स्ट्रांग व्यक्ति है, जो फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, वो हमारे देश की जीडीपी में अपना अधिक योगदान देगा, ना कि एक वो व्यक्ति जो बीमार होगा। और अगर शायद आज मैं बीमार होती तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। सो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर हमें मानव निर्माण को फॉर्म करना है तो हमें एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी खर्च करना है, ताकि हम भी अपनी कंट्री के अंदर जीडीपी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाएँ, अपने देश, अपने कंट्री को डेवलप करने में, विकास करने में। सो अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो ये दूसरा पॉइंट मानव पूंजी के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व था। सो अगर हम उसके थर्ड पॉइंट की बात करें, तो नौकरी के दौरान प्रशिक्षण। सो बच्चों, इसका मतलब होगा कि हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आप लोगों को ट्रेन होना चाहिए एक अच्छे तरीके से। अगर आप लोग जॉब के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप लोग ट्रेन हो बहुत अच्छे से। एक अकुशल श्रमिक जिसके पास स्किल्स नहीं है, और एक कुशल श्रमिक एक कुशल मजदूर जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है। तो इसके अगर हम कंपैरिजन करें, तो अकुशल श्रमिक के कंपैरिजन में जो कुशल मजदूर है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को चला पाएगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स है, उसने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली है कि किस तरीके से चीज़ों को किस तरीके से चीज़ों का रख रखाव किया जाता है, ना कि एक उस व्यक्ति के पास जो ट्रेन नहीं है, एक अप्रशिक्षित मजदूर, एक अप्रशिक्षित श्रमिक। सो सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमें नौकरी के दौरान हमें ट्रेन होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक अच्छा क्वालिफिकेशन होना चाहिए हमारे पास उस जॉब को लेते हुए। सो अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट की बात करें, इसके अलावा हम इसके फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम। ऐसे वयस्क या ऐसे एडल्ट जो भी स्कूल नहीं जा सकते, वो काफ़ी एजिड हैं, तो उन लोगों के लिए भी सरकार ने यह सरकारी संगठन बनाए, गैर सरकारी संगठन बनाए, एनजीओज बनाए सरकार ने काफ़ी सारे, कि उन्हें अपने अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त हो, वो जिस भी चीज़ को वो सीखना चाहते हैं, वो उस एनजीओज में वो आ सकते हैं। तो सरकार ने ये मुफ्त में खोले हुए एनजीओज हैं, ताकि जो एडल्ट्स हैं वो भी सीख सकें। और इसके अलावा हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो इसका है स्थानांतरण, माइग्रेशन। तो सबसे पहले माइग्रेशन का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाना ही माइग्रेशन होता है। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, उन्हें इतने अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिलती, उनके पास रोज़गार के उतने अवसर नहीं होते, तो देन फिर वो लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से वो लोग शहरी क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं वो लोग, ताकि उनके पास रोज़गार के अवसर हों, उनके पास अपॉर्चुनिटी हो, वो भी जीडीपी में अपना योगदान दे पाएँ। बट अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र का लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है और शहरी क्षेत्र का लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिया से काफ़ी सारे लोग जो साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने कंट्री छोड़ कर के दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे इंडिया देश में हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हमें इतने अवसर नहीं मिल रहे, या हमें इतनी इनकम नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। बट उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि स्टैंडर्ड लिविंग भी तो अलग होता है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो उसमें कम खर्चे होते हैं, यहाँ पे सस्ता ही होती है। बट शहरी क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ इनकम ज़्यादा होती है और लोगों का खर्चा भी ज़्यादा होता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में इतनी महंगाई नहीं होती, तो इस तरीके से उसके हिसाब से उसके सिचुएशन में लोगों की इनकम भी कम होती है। जब लोग माइग्रेट करते हैं, तो लोगों को इस सिचुएशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है या जो खर्चा होता है, वो भी अलग अलग होता है। सो आई होप आप लोगों को ये इसका पॉइंट फिफ्थ भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसका लास्ट पॉइंट समझते हैं, डेट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, सूचना पर व्यय। अगर मैं एक जॉब की बात करूं, अगर मुझे अच्छी सी जॉब चाहिए मेरे स्टैंड में, तो मुझे उस पर रिसर्च करना होगा। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन पे, मुझे अपनी सूचना पे सर्च करना होगा,
देन जब जा कर के मुझे एक बेस्ट जॉब मिलेगी। अगर मैं चाहूँ तो हम गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि मैं इतनी एजुकेटेड हूँ तो उसके हिसाब से मेरे लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन पर खुद रिसर्च करनी चाहिए। अगर मुझे कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो सबसे पहले मैं उस पर मैं सर्च करूँगी कि बेस्ट फ़ोन कौन से हैं अभी। सो उस हिसाब से मैं बेस्ट कंपनी के फ़ोन परचेज करूँगी या इस तरीके से मैं बेस्ट जॉब को ज्वाइन करूँगी। सो बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ हम मानव पूंज निर्माण को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। देन जब हम अपने सर्च के ऊपर, हम अपनी सूचना के ऊपर और छानबीन करेंगे और खोज करेंगे कि सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट कौन सा है, देन तब जा कर के हमारे मानव पूंजी जो है वो फॉर्म होगी, उसका निर्माण होगा जब मैं सूचना पर व्यय करूँगी। सो अब हम फटाफट से इसको सारा का सारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमें मानव निर्माण को रिफॉर्म करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए उसके कौन कौन से रिसोर्सेज हमें प्राप्त करने होंगे। बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि हमें एजुकेशन पे खर्च करना होगा। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है हमें अपने हेल्थ पे भी खर्च करना होगा। और तीसरा पॉइंट ये कि हम बहुत अच्छे से ट्रेन होने चाहिए किसी जॉब के लिए, हम प्रशिक्षित होने चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। चौथा ये, जो भी हमारे देश के व्यासक हैं उनके पास भी एजुकेशन हासिल करने के लिए काफ़ी एनजीओ, सरकार ने सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन काफ़ी सारे कार्यक्रम खुलवाए हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा था माइग्रेशन, कि एक जगह से हम दूसरे स्थान पे चले जाते हैं क्योंकि हम इतनी अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं होती है। देन हमने इसमें पांचवा पढ़ा सूचना पर भी है कि हमें अपनी खोज के ऊपर सर्च करना चाहिए। सो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि हम मानव निर्माण को फॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम समझेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों, जब तक के लिए गुड बाय।